हेलो सनसिटी में जान सोगाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों आज है 6 तारीख, कल सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन आज बारिश का मौसम बिल्कुल छट चुका है, एकदम से धूप निकली है अच्छे से, साफ मौसम हो चुका है, ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कल बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। और जैसी अभी मैं आया हूँ सोहेल भाई की शॉप पे, इनका ये आप देख सकते हो, डोर्स का काम है और जो वो नहीं होता इस टाइप के पीवीसी डोर, जो भी आप जैसी भी आप डिजाइन चाहते हो, ऐसे सारे पीवीसी सलमाइका सारे डोर मिल जाएंगे आपको। डोर एंड मोर नाम से शॉप है इनकी, आपको पीवीसी सलमाइका लेमिनेटेड कोटेड जो भी डोर जैसी भी डिमांड है आपकी, जिस किसी भी साइज का हो वो मिल जाएंगे। मैं अभी इनके पास में आया हूँ, ऐसे ही बस शॉप से निकला था और कुछ काम के लिए, वो काम आज मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो अभी सोहेल भाई के साथ में आया हूँ। अभी हाँ हमारा जो भी प्लान होगा वो देखते हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा हट और हमने कुछ ऑर्डर किया है, अभी वो बन रहा है, ऑर्डर आ गया है, उसके बाद मैं बताता हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है, समथिंग स्पेशल होने वाला है। सो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और थोड़ी गाइस अनबॉक्सिंग होने जा रही है, सोहेल भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आ गया पिज़्ज़ा, तंदूरी पनीर चीज मैक्स पिज्जा, वो वोल्केनो चॉकलेट वोल्केनो, ये चॉकलेट वोल्केनो आ गया इस कभी का, और इसमें क्या फ्रेंच फ्राइज है, लेट्स सी क्या है ये चॉकलेट वोल्केनो है जिसको अपन बोलते हैं चोकोलावा केक, ये क्या है चीज गार्लिक ब्रेड है, सो लेट्स। और ये कोल्ड ड्रिंक मैंने अपने लिए ये मिरिंडा मंगाई भाई ने सेवन, सो अभी भाई टेस्ट करके बताएगा, अपन भी बता देंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कैसे भाई गुड, तो टेस्ट करके बताएगा कि मैं भी टेस्ट करके बता दूँगा आपको कैसा है। मुझे बेसिकली तो अभी तो डोमिनोज का चोकोलावा केक पसंद था, अभी देखते हैं यहाँ का कैसा बेटर है यहाँ का भी। बाकी ये चीज़ गार्लिक ब्रेड खाने के बाद में वीडियो कंप्लीट करने के बाद में बताऊँगा मैं भाई की तरफ से, एक्सीलेंट है। अभी शूट नहीं कर सकता, एक आदमी फोन करेंगे, एक आदमी ब्रेड बनना अच्छा नहीं लगता, कंप्लीट करते हैं इसको और उसके बारे में बता दूँगा आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। गाइस बाहर का मौसम वापस से आज, अभी सुबह तो ठीक था, अभी वापस से ख़राब होने लग गया, बादल देख सकते हैं। सो गाइस पिज़्ज़ा हट से आए हुए मुझे एक डेढ़ घंटा हो चुका है, अभी हम शॉप पे आ गया हूँ मैं वापस से, अभी मैं लेने जाऊँगा चाय, फिर चाय पीते हैं और आज का ब्लॉग एंड करते हैं, ठीक है पहले चाय पी लेते हैं। सो गाइस चाय पीजिए और एंजॉय लीजिए ब्लॉग।
सो दोस्तों आज को आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा गया था, मुझे बड़ा टेस्टी लगा पिज़्ज़ा, और वो जो गार्लिक ब्रेड थी, चोकोला वा केक था, एक्चुअली उसको क्या कहते हैं चोको वोल्केनो लिखा हुआ था वहाँ पे, बाकी वो चोकोला वा केक ही था, बड़ा अच्छा था। और एक्चुअली मैंने ये फील किया है कि अगर आप लोकल बाज़ार से जो खाते हो उसके बजाय ये जो फ्रेंचाइजी वाला होता है, जो भी किसी भी कंपनी का, मान लो डोमिनोज का हो गया, इसका पिज़्ज़ा हट का हो गया है, जिस किसी भी कंपनी का, तो उसमें ब्रेड की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। थोड़ी बेटर लगी मुझे उनसे, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बेटर लगी, बाकी जो मैंने लोकल जो खाए हैं आज दिन तक, जो भी पिज़्ज़ा खाए उनसे बेटर लगी मुझे। सो अगर आपने कभी भी इस टाइप का पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा हट का, डोमिनोज का पिज़्ज़ा अगर खाया है, तो मुझे अपने जो भी एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कौन सा बेटर है। मुझे हाल फिलहाल लोकल के बजाय पिज़्ज़ा हट का बेहतरीन लगा है, और चोकोला वा केक भी इसका बेहतरीन था। खैर अभी का वीडियो बस यही एंड करते हैं, चाय पीते हैं, मज़े करते हैं आज का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए भाई को, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू ऑल।